मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवा रहे थे तो एक दो टॉपिक बचे हुए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, वो भी करा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू होलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सोलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये सब हम करा देते हैं। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये सब पॉइंट करने काफी जरूरी है, तो ये कर लेते हैं हम। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर की बात की जाती है तो ये काफी इजी है, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। आप एक होलो सिलेंडर बनाइए, आपने ये कहा कि ये आपके पास एक होलो सिलेंडर है, ये एक्सिस है जिसके अलोंग आप रोटेट कर रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये थोड़ी सी गलत हो गई है ऐसे, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अलोंग इस सिलेंडर को रोटेट किया जा रहा है, ये अंदर से खाली है, होलो सिलेंडर है। आपने ये कहा कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब मान लीजिए आप इसका कोई भी सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसका सेगमेंट बनाएंगे तो यहीं से ऐसे ही तो बनाएंगे, क्या बनी ये रिंग, जो सेगमेंट बनाया इस रिंग का मास क्या बताया आपने, डीएम। हम क्या कहेंगे, वी मेक ए सेगमेंट ऑफ मास डीएम, दैट इज रिंग। उसके बाद हम ये कहेंगे कि सेगमेंट का जो बना रहे हो, आपने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। अब सिंपल है, डी आई स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्शिया, अब क्या कहोगे, डी आई इज इक्वल टू डी एम, कितने डिस्टेंस पर है, एक्सिस से देखेंगे तो वही आर डिस्टेंस पर आपने काटी हुई है। अब आप क्या करेंगे भाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर होता है ना, तो क्या किया, आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और ये क्या हो जाएगा, एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये तो काफी सिंपल था, और डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर आ गया, काफी सिंपल। डीएम इस तरह करते जाओ, सभी को ऐड करते जाओ, इंटीग्रेट कर दो, कंप्लीट का इंटीग्रेट करोगे तो इस सिलेंडर का जो टोटल मास है वो क्या लिया होगा आपने, एम, तो डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि और अलग तरीके से सेगमेंट तो कट ही नहीं सकता इसमें। बट अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो की बजाय ये कह दिया जाता है कि हम सोलिड सिलेंडर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भैया, सोलिड सिलेंडर, उसमें देखिए क्या, अब आपने क्या कहा कि हम एक सोलिड सिलेंडर बनाएंगे भाई, ये आपके पास एक सोलिड सिलेंडर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अलोंग इट्स एक्सिस, ये भी बताना होगा, जो इसकी एक्सिस है उसके अलोंग। आपने ये कहा कि इसकी जो रेडियस है वो आर है, इसकी जो लेंथ है वो या हाइट है उसको एच ले लो या एल ले लो, क्लियर। अब ये सोलिड है, सोलिड है तो हमने कह दिया कि इस सिलेंडर का जो मास है वो एम है, डेंसिटी को क्या बता दिया, रो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब हम इसको स्टेप टू स्टेप लिखेंगे, मैं यहां से लिखता हूं, यहां हम क्या कह देते हैं, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ये इसका वॉल्यूम हो गया, समझ आ गया होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल होता है,
क्लियर। अब देखिए, अब सेगमेंट काटना है तो आप ये नहीं कर सकते कि हम यू डिस्क काट देंगे। वैसे आप डिस्क भी काट सकते हो, एक डिस्क का मास लेना होगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना होगा। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हम यहां से एक सिलेंडर काट देते हैं, जिसकी रेडियस एक्स है। जब ये सिलेंडर काट रहे हो तो इसकी थिकनेस तो बतानी पड़ेगी। आपने ये कहा कि इतना मोटा सिलेंडर काट दिया है, और इस थिकनेस को आपने बताया dx। सेगमेंट ले लिया, इस dx का मास कितना बता दिया dm। समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू dm अपॉन dv। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? जो सेगमेंट आपने काटा, जो सिलेंडर आपने काटा, उस सिलेंडर का जो मास है वो क्या ले लिया dm, और उसका वॉल्यूम को क्या ले लिया dv। अब आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हो भाई, आपके पास जो सिलेंडर काटा है ना वो ये काटा है आपने। ध्यान से समझना है, ये सेगमेंट है, ये जो थिकनेस है ये क्या है dx, इसके मास को क्या बताया dm, रेडियस को क्या बता दिया x, मतलब ये अंदर से वैकेंट है, खाली है। अब ये खाली है क्योंकि ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो काटा है ये आपने dx थिकनेस का यूं काटा और बाहर निकाल लिया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप इस x रेडियस के सिलेंडर, अब आप ये चाहते हो कि इसका वॉल्यूम पता चल जाए। हमने क्या किया, इस सिलेंडर को काट दिया, काट के इसको फ्लैट कर दिया। जब मैं इस सिलेंडर को यूं काट कर फ्लैट करूंगा तो ये हमारे पास इस तरह की एक सीट बन जाएगी, ये हमारे पास एक सीट बन जाएगी। ध्यान से देखिए, इस सीट की जो थिकनेस है ना वो dx है, इतनी मोटी। जैसे कि ये हमारे पास एक सिलेंडर बन गया, इस सिलेंडर को हमने यूं बीचों बीच काटा और यूं एक फ्लैट कर दिया, सीट बन गई। जैसे ही यूं फ्लैट किया मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या आ गई, सर्कमफ्रेंस के बराबर आ गई। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि ये हमारे पास होलो सिलेंडर है, आप इसको बीच में से काटते हो यूं फ्लैट कर देते हो तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2πx, और ये कितनी है l। मैं ये चाहता हूं कि इसका वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होंगे, लेंथ 2πx मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाई थिकनेस dx, ये आपके पास dv आ गया। हम इस dv की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो dm इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई dv, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेंसिटी हमने लिख रखी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगी हमारे पास m अपॉन पाई आर स्क्वायर l मल्टीप्लाई बाई 2πx l इंटू dx, l से l कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी एम इज इक्वल टू एम टू बार अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये हमारे पास सेगमेंट आ गया। तो जो ये हमने सेगमेंट काटा, ये क्या काटा था, होलो सिलेंडर काटा था, ये आपके पास क्या है, होलो सिलेंडर सेगमेंट है। अब होलो सिलेंडर का अभी अभी आपने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या लिखा था आर स्क्वायर, क्योंकि एम आर स्क्वायर फॉर्मूला आया था जब हमने उसका मास एम लिया था। हमने ये होलो सिलेंडर काटा तो इसका मास क्या लिया डीएम, तो डीएम इंटू क्या लिखा जाएगा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दे डी आई, इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये तो किसकी वैल्यू है डीएम की वैल्यू है, आर स्क्वायर, आर का मतलब इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस क्या है जो सेगमेंट काटा है एक्स स्क्वायर, डीआई का इंटीग्रेशन आई, और फिर इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, जीरो से शुरू करोगे एंड रेडियस का जीरो टू आर, इंटीग्रेशन जीरो से आर टू एम अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डीएक्स। बस अब तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, टू एम अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए, क्या करेंगे आई इज इक्वल टू टू एम अपॉन आर स्क्वायर, यहां से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं एक्स की पावर 4/4 अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट सीधा आर रेश्यो पावर 4 लिख दिया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया एम आर स्क्वायर बाई,
दूसरा मेथड भी है इसका, दूसरा मेथड इसके काटने का तरीका अलग है, बस मेरी बात समझ गए। दूसरा मेथड है कि आप इसको कैसे काटते हैं। अगर आप ये कहते हो कि सर हम तो इसको डिस्क की तरह काटते हैं, ये सॉलिड माना आपने, आपने कहा इसकी रेडियस आर है, आप इसकी डिस्क काटते हो यू, जैसे कि आपने पिछले के अंदर रिंग काटा था, तो ये पूरी डिस्क हो गई है, ये पूरी डिस्क है जिसकी रेडियस आर है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई क्यू। आपने कहा डिस्क की जो थिकनेस है उसको डीएक्स ले लें, तो इसको क्या कहते हैं डीएम, और वही बात है डीएम इंटू आर स्क्वायर वन बाई टू, इंटीग्रेशन कर देंगे, डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला। ये सेकेंड मेथड है, ये काफी छोटा है, बट ये मैंने इसलिए नहीं कराया कि पिछले वाले में होलो सिलेंडर में हो गया था। हम नए नए मेथड कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से पढ़ सकते हैं, ये सेकेंड मेथड से सोल्यूशन है। ये तो फर्स्ट था, ये सेकेंड मेथड। चलो देखिए, मान लीजिए मैं ये सिलेंडर को कह दूं कि ये इसको ऐसे नहीं घुमाया जा रहा जैसे ये सिलेंडर है, इसको यूं घुमाया जा रहा था पहले तो, अब ये कहता है कि इसको यहां नहीं घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है, समझ आ गया। तो उसको ऐसे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में आइडियाज आए कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो क्या क्या मेथड लगा सकते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तो भी आप क्या कर सकते हैं। आपसे ये कह दिया जाए कि भाई ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कराया जा रहा है, ये आपकी एक्सिस है जिसके अलोंग आपने इसको रोटेट कराना है। सिलेंडर अलोंग इट्स एक्सिस नहीं है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अलोंग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेट कराना है। मेरी बात समझ गए, क्योंकि ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेट कराएंगे फ्रॉम इट्स सेंटर, ये भी बता देना है, वो भी इसके सेंटर से। यू तो आप ये फ्रॉम इट्स वन एंड कह दिया था यहां से रोटेट कराओ तो क्या होगा, क्या करोगे, तो वही बात है, आप एक एंड से करा दीजिए पहले, फिर वन एंड के लिए भी बता देंगे, वो तो फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या फिर इसी को इस एंड पर करेंगे तो भी आप सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने कहा कि ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, अब सॉलिड सिलेंडर का आपने मास बताया एम, डेंसिटी बताई रो, तो वही बात रो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, आपने इसकी लेंथ को एल बता दिया तो क्या लिख दोगे एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आपने इसकी डेंसिटी बता दी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सेगमेंट काटें, तो आप क्या करोगे, आपने यहां एक सेगमेंट यू काट दिया, आपने ये जो सेगमेंट काटा तो आपको पता है ये क्या कट गई है डिस्क, और ये जो सेगमेंट काटा आपने इसकी थिकनेस को क्या बता दिया dx, आपने ये कहा कि इसकी जो थिकनेस है ये dx थिकनेस है, ये क्या है आपके पास डिस्क है, डिस्क सेगमेंट कटा, क्योंकि ये सोलिड है, ये अंदर से भरी हुई है, ठीक है। अब ये डिस्क कटी है, कितनी दूर काटी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्स डिस्टेंस पर काटी है, हम क्या चाहते हैं इस डिस्क का मास बताना चाहते हैं डीएम, क्लियर। हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा। बेटा देखिए, आपने कहा इसकी रेडियस आर है तो डिस्क की रेडियस भी क्या होगी, आर होगी। हम ये कहते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, अब डीएम निकालना चाहते हो तो क्या कहोगे, dm is equal to density multiplied by volume, volume क्या है dv, अब इसका volume क्या होगा pi r square, area हो गया इसका, multiply by thickness into dx, ठीक है। rho की value put करेंगे तो dm is equal to m upon pi
पाई आर स्क्वायर एल मल्टीप्लाई बाय रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स। सॉरी बेटा, रो की तो वैल्यू पुट की हमने, मेरी बात समझ गए? मतलब आप क्या कह सकते हो, डी एम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स आ गया। वैसे तो हम लेंथ के अकॉर्डिंग ले रहे थे तो सीधा एम बाई एल इंटू डी एक्स भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो देखिए, डीएम हमारे पास आ गया। हम ये कहते हैं कि ये हमारा डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ये मैंने बोला है, ठीक है। अगर हम देखें मैं इसको लिख देता हूं वाई वाई डैश, और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं एक्स एक्स डैश। अब मैं कहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्स डैश डी आई, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि डिस्क हमारे पास सेगमेंट है, मैंने लिखा है ये डिस्क हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है। सेगमेंट है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, अगर डिस्क यू बनी हुई है इसके अलोंग रोटेट कराना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 mr2, पढ़ा था आपने। और अगर यू रोटेट कराना है, डायमीटर हो गया, तो आई डी आपने पढ़ा था 1/4 mr2। ये पॉइंट याद रखने हैं। अब देखिए, अगर डिस्क हमारे पास यू रखी हुई है और इसी के अलोंग रोटेट कराना है तो ये क्या हो गया, डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क 1/4, डिस्क का मास कितना है डीएम, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है डिस्क की, सीधा फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आया तो मैंने ये कहा कि ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स एक्स डैश के अलोंग, पॉइंट क्लियर है। अगर इसी डिस्क को वाई वाई डैश के अलोंग रोटेट कराया जाए तो आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू, क्या कहोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डिस्क 1/4 डीएम इंटू आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ द डिस्क क्या है डीएम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यही लगाएंगे हम कि ये जो एक्सिस है एक्स एक्स डैश है, क्योंकि मैंने ये क्या लिखा है आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस डीएम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब वाई वाई डैश के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्स डैश के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए आई एक्स एक्स डैश ये हम कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, वैल्यू पुट करिए तो ये सब डी आई वाई वाई डैश है, तो ये भी क्या हो गया डी आई एक्स एक्स डैश प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा डी आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू ये क्या है 1/4 डीएम इंटू आर स्क्वायर प्लस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया डीएम 1/4 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएम की वैल्यू पुट करिए भाई, डीएम की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डीएम की वैल्यू क्या है जो हमने निकाली थी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, सॉरी डीएक्स, समझ आ गया होगा, पॉइंट क्लियर है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर कितना है एल बाई टू, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इधर भी कितना है एल बाई टू, मतलब माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। आगे इंटीग्रेशन करना है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, मैंने तो आपको स्टेप बताए हैं, तो ये सब आपके पास हो जाएगा। मेरे हिसाब से इतना ही है, आगे तो इंटीग्रेशन है बताने के लिए। अब एक आपके पास मैंने आपको बताया था सोलिड स्फीयर है, क्या है सोलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सोलिड स्फीयर, आगे आप इंटीग्रेशन करिए, अगर ना आए तो मेरे पास कॉल करिए, मेरे पास मैसेज डालिए, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए ये कहता है कि आप सोलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, और हाँ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 एम आर स्क्वायर बाई 4 ये होगा, जब आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आई वाई वाई डैश एम आर स्क्वायर बाई 4 डिस्क प्लस
ML² / 12। आपको मैं बता देता हूँ याद रखने का तरीका। अगर आप देखते हो ध्यान से, आपने इसमें सेगमेंट काटा, डिस्क काटी है, तो डिस्क के डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये किसकी तरह काम कर रही है, रोड की तरह काम कर रही है, रोड की तरह काम कर रही है। इसके लेंथ को क्या बताया आपने, एल, और रोड की तरह जब ये सेंटर पे रोटेट कराते हो तो क्या हो जाता है, ML² / 12। आपसे कह दिया जाए इस एंड पर बताना है, वन एंड पर, एंड पर बताओगे तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये क्या हो गया ML² का होल स्क्वायर, ऐड कर देना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना, क्योंकि यहाँ इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, ML² का होल स्क्वायर ऐड करोगे तो यह ML² / 3 आ जाएगा, क्योंकि एक एंड के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML² / 3 होता है। ये छोटे छोटे स्टेप है जो आप याद रखेंगे। देखिए मैं आपको सोलिड स्फीयर के बारे में बता रहा हूं, बेटा सॉलिड स्फीयर को रोटेट कराना है। देखिए आपने ये कहा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलावा वो रोटेट करा रहे, क्लियर। अब वही बात आती है कि सॉलिड स्फीयर, इसकी मास डेंसिटी को मैंने रो बता दिया, इसके मास को क्या बता दिया m, तो रो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे m/v, मतलब m/4/3πr³ हो गया। अब क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू 3m/4πr³, ये डेंसिटी रो आ गई। आपने कहा कि एक सेगमेंट काटेंगे, कहीं पर भी एक सेगमेंट काट दो, यहां से एक सेगमेंट काटा तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास एक सॉलिड सेगमेंट कटना चाहिए, ये सॉलिड सेगमेंट कटना चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी है r, जहां ये सेगमेंट कटेगा ये डिस्टेंस कितनी है x, और इसकी थिकनेस को क्या बता दिया हमने dx। पॉइंट क्लियर है, अगर आप इसी पॉइंट को ध्यान से देखते हो, मैंने ये कहा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक x है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हम जो ये सेगमेंट ले रहे हैं, अगर इस सेगमेंट को देखा जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, डिस्क। अगर डिस्क की रेडियस की बात की जाए, इसके मास को हमने क्या बता दिया dm, अब हम इसका वॉल्यूम चाहते हैं, क्योंकि हम क्या कहेंगे dm इज इक्वल टू, आप जो बताओगे dm इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, सीधा लिख रहा हूं dm इज इक्वल टू डेंसिटी आपके पास है 3m/4πr³ मल्टीप्लाई बाय, अब वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम ऑफ ए डिस्क क्या करेंगे, एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाई बाई थिकनेस, ये सीधा सा फॉर्मूला है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा डिस्क का एरिया πr² मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। अब भाई रेडियस ऑफ डिस्क क्या है, मेरे हिसाब से देखा जाए डिस्क को ये काटा गया है, ठीक है, ये डिस्क कटी है हमारे पास, अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि रेडियस, तो ये हमारी क्या हो गई रेडियस, और ये रेडियस कितनी है, ये अगर देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो यहां परपेंडिकुलर है r² - x² का अंडर रूट आ जाएगा, मेरी बात समझ गए, ये इसकी रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं, r² और ये वैल्यू पुट करेंगे तो dm इज इक्वल टू 3m/4πr³ मल्टीप्लाई बाई r² - x² πdx, अंडर रूट था स्क्वायर से कट गया, ये हमारे पास dm आ गया, मेरी बात समझ गए। अब आपके पास मास आ गया, मास आने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क को रोटेट कराया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो इसी एक्सिस के अलोंग ही ले लेता हूं, इस एक्सिस के अलोंग डिस्क को रोटेट कराएंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमें पता होना चाहिए, मैं मान लीजिए इस एक्सिस को कह देता हूं ab, व्हेन डिस्क रोटेट अलोंग ab, AB के अलोंग रोटेट कराया जाए, तो भाई AB तो इसके सेंटर से पास हो रही है और सेंटर के अलोंग और परपेंडिकुलर भी है, देन DI इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 dm × r², मेरे हिसाब से तो यही होगा, r² मतलब रेडियस, रेडियस क्या है r² स्मॉल r मानिए अपने इसकी रेडियस, डिस्क की रेडियस लेंगे, क्लियर है। तो आपने AB के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसका इंटीग्रेशन करना है, जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1/2 dm
डी एम क्या है ये हमने लिख रखा है, 3m/4πr³πr² - x² (dx) मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, r² - x² का अंडर रूट, मतलब हम यहाँ क्या लिख देते हैं r² - x², क्योंकि अंडर रूट का स्क्वेयर करेंगे तो वही बात आ जाएगी इंटीग्रेशन, समझ आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है आपको पता है, जब आप इसके डिस्क काटोगे यहां से ये एक्सिस बनाया, इधर रोटेट कराओ चाहे इधर रोटेट कराओ कहीं पर भी एडी के अलोंग रोटेट कराना है वो तो वही बात है -r² + r, क्योंकि यहां से इधर भी r है यहां से इधर भी r है, तो क्या करोगे सेंटर से इधर देखेंगे तो r, सेंटर से उधर देखेंगे तो भी r, समझ आ गया। और अगर इस तरह का इंटीग्रेशन करना i = 2 × 0 to r कर दिया करो, क्योंकि -r² है ना ये डबल होता है अगर 0 to r करोगे तो, ये इंटीग्रेशन का रूल है जब आप 12th में पढ़ोगे तो समझ जाओगे, इंटीग्रेशन का रूल होता है अगर -r² + r इंटीग्रेशन है तो आप 0 to r इंटीग्रेशन कर दो और इस वैल्यू को डबल कर दो, आपको काफी बुक्स में मिल भी जाएगा काफी जगह मिल भी जाएगा, और अगर ये याद नहीं रखना चाहते तो सीधा -r² + r इंटीग्रेशन करो काम करो, आगे आपने इंटीग्रेशन करना है आप इंटीग्रेशन करिए। और मैं बता देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप इसका निकालोगे i solid sphere = 2/5 mr² आएगा, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा आपके पास 2/5 mr², बस ये याद रखना है एट इट सेंटर। अब आपको पता है कि किसी भी सेंटर के अलोंग रोटेट कराएंगे इसको तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपने पढ़ा 2/5 mr² हो गया। अगर इस टेंजेंट के अलोंग पूछा जाए तो, अगर आई टेंजेंट के अलोंग पूछा जाए तो क्या कहोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे या क्या कहोगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास सॉलिड स्फीयर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आर स्क्वायर, मतलब क्या लिख दोगे 2/5 mr² + mr² कितना हो जाएगा 7/5 mr². ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर अलोंग टेंजेंट, अगर टेंजेंट के अलोंग रोटेट कराया तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये आपने पढ़ने हैं। ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करा दिया, अगली क्लास में हम रिलेशन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क और इन सब के। थैंक यू।